नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेपवेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने इको आएगा कि तू चोर है। और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। मेरा प्रश्न यह है कि अभी जो हम कर्म के बंधनों की वजह से अनंत जन्म लेते जा रहे हैं, अनंत जन्म मतलब आज के कर्म हमारे अगले जन्म की में हमें जाना पड़ता है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम पहला जन्म हमने किन कर्मों के बेस पे लिया था? एक्चुअली पहला जन्म यानी क्या है, ये जगत में तीन दिव्य भाग है, एक मोक्ष में गए आत्मा, मुक्त आत्मा, संसार के चक्कर में आने वाले हैं हम लोग जो देख सकते हैं, केंद्रीय से पंचेंद्रीय संसार बोला जाता है, और तीसरा एक डिवीजन ऐसा है कि वहाँ अनंत आत्मा ऐसे कंप्लीट आवरण वाले हैं, एक इंद्रिय भी प्रकट नहीं, भीतर जैसे लाइट है 1000 वाट का बल्ब, उसके ऊपर आवरण आ गया, कपड़ा डाल दिया बहुत सारे, तो उजाला बाहर नहीं आएगा, एक किरण भी बाहर नहीं आएगा, आवरण में है। ऐसे अनंत आत्मा निगोद बोला जाता है, अव्यवहार राशि, तो अव्यवहार राशि में बहुत अनंत आत्मा है जो कंप्लीट आवरण वाले हैं। एक आत्मा जब मोक्ष में जाता है संसार में से, व्यवहार में से, एक आत्मा अव्यवहार में से व्यवहार में आता, और थोड़े आवरण टूटते, एक इंद्रिय प्रकट होती है, बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट में हजारों लाखों अवतार के बाद दो इंद्रिय में आएगा, बाद में तीन इंद्रिय में आएगा, डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है अप टू ह्यूमन। मनुष्य में जब उसकी बुद्धि अहंकार शुरू होते हैं, बाद में कर्म बांधना चालू करता है, नहीं तो नेचुरल आवरण है, उसको संसरण मार्ग का आवरण बोला जाता है, वो आवरण टूटते जाता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट में आते जाता है। मनुष्य में आने के बाद अहंकार से कर्म बांधता है और बाद में चार गति में भटकता है, और अहंकार जब ज्ञानी मिलते हैं तो अहंकार छूटता है, तो नए कर्म बांधना स्टॉप होते हैं, बाद में धीरे से 1, 2, 3, 4 अवतार में मोक्ष में चले जाता है। बस ये साइकिल है, आवरण वाला आत्मा है, उसमें से आवरण टूटते टूटते टूटते, वो नेचुरल आवरण टूटते, कुदरती है। मनुष्य के बाद विकृति वाला आवरण होता है, वो अहंकार का आवरण, और वो कर्म बांध के चार गति में भटकता है, ऐसे एक दुनिया की स्थिति है। समझ में आया आपको? जी। दोस्तों, कर्म क्या है और कर्म के फल क्या हैं? आप भी सोच रहे हैं ना? तो चलिए जानते हैं अपने चहेते आत्मज्ञानी दीपक भाई से, आखिरकार असल में कर्म और कर्म के फल किसे कहते हैं। कृपया कर्ता व कर्म के बारे में बताने की कृपा करें, पिछले जन्मों के कर्म कैसे समाप्त होंगे, कर्ता व कर्म के बारे में बताना कृपा करें। कर्ता यानी क्या है कि मैं ललित मोहन हूँ, वो फर्स्ट अज्ञानता है, और वो अज्ञानता से ललित मोहन जो भी करते हैं उसको मैं ही करता हूँ मान लेते हैं, क्योंकि मैं ही ललित मोहन हूँ। और नहीं, आपको नहीं पसंद ऐसे कभी विचार आते हैं कि नहीं? बुरे विचार नहीं पसंद तो भी आ जाते हैं, कभी नहीं बोलना चाहते तो भी शब्द निकल जाते हैं, कभी नहीं वर्तन करना है तो भी हो जाता है, यानी शरीर वाणी और विचार हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसको मैं करता हूँ मान लेते हैं, और वही कर्ता भाव से नेक्स्ट लाइफ के कर्म चार्ज होते हैं, यानी अज्ञानता से और कर्ता भाव से नए कर्म चार्ज हो जाते हैं। तो इतनी जागृति रखो कि मैं खुद कौन हूँ और कराने वाला कौन, तो नए कर्म चार्ज नहीं होंगे, और कर्म चार्ज नहीं होंगे तो फिर नया बर्थ भी नहीं मिलेगा और मोक्ष होते जाएगा। यानी कर्म का चार्जिंग, कर्म बंध कैसे होता है, कर्म बीज कैसे बोया जाता है, मैं ही ललित मोहन हूँ और मैं करता हूँ, कर्ता भाव से कर्म बीज गिर जाते हैं, और कर्ता भाव छूट गया तो कर्म बंधन छूट जाता है। और पिछले कर्मों के कैसे समाप्ति होगी, पिछले जन्मों के कर्म इस लाइफ में कर्म फल स्वरूप से आते रहते हैं,
और जब आत्मज्ञान की जागृति रहेगी और दादा भगवान की जो 5 आज्ञा है कि ललित मोहन कैसे अलग है, कैसे मैं आत्मा हूँ, ये सब जागृति में यानी 5 आज्ञा में रहने से पिछले कर्म समभाव से पूरे होते जाएंगे, नए कर्म चार्ज नहीं होंगे, पिछले समभाव से पूरे होंगे और मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति अखंड रहेगी। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो कर्मों का 6 ज्ञान में रहते हुए किया जा सकता है क्या? बहुत ज्ञान में रहने से ही कर्म का क्षय होता है। कर्म 2 प्रकार के, एक चार्ज कर्म, दूसरा डिस्चार्ज कर्म। डिस्चार्ज कर्म के टाइम अज्ञानता से कर्म बीज डाल देते थे, तो जागृति से, ज्ञान की जागृति से अज्ञानता से नए, अरे कर्म फल में नए बीज नहीं गिरेगे ज्ञान जागृति से, वो मनुष्य का पुरुषार्थ है। अथवा उसके पास समझ लो आत्मज्ञान की जागृति नहीं है पर कुछ हृदय में कुछ सच्ची समझ भी है, नहीं किसी को दुख देने से मुझे दुख आएगा, सुख देने से मुझे सुख आएगा, दूसरे की गलती निकालता हूं तो मुझे बहुत नुकसान होएगा, ऐसे कुछ भी सच्ची समझ है तो भी मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है। अशुभ में से शुभ में जाने का पुरुषार्थ मनुष्य के हाथ में खुला है और ज्ञान के बाद शुभ और अशुभ से पर होके कर्म क्षय करने का भी पुरुषार्थ मनुष्य के हाथ में खुला है। तो पुरुषार्थ को ही बढ़ाओ, क्यों प्रारब्ध के पीछे? अभी देखो कितने आदमी लोग बिजनेस करते हैं, अभी उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब डिसाइडेड है, तो सारा दिन बिजनेस में पैसे के लिए सोचते रहता है सोचते रहता है। कोई आदमी लॉस की इच्छा करेगा कभी? कभी नहीं। फिर भी सभी को लॉस नहीं आता है जीवन में? तो फिर जो नई इच्छा करता है तो भी आता है लॉस, तो नई इच्छा करोगे तो भी प्रॉफिट अपने आप आने वाला ही है, तो फिर क्यों हमारा टाइम बिगाड़े? हम आत्मा में क्यों जागृति न रखे? तो ये समझने की जरूरत है कि आत्मा में जागृति रखो और संसार के लिए वितराग रहो, सुपरफ्लियस रहो। साथियों, लॉ ऑफ साइंस कहता है कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, इसकी अवेयरनेस लेकिन हमें होगी कैसे? कैसे कर्मों के फल हम समझेंगे? चलिए सुनते हैं अगले सेगमेंट में। मृत्यु से लेकर जन्म तक की साइंटिफिक प्रोसेस को समझाने की कृपा करें। मृत्यु से जन्म तक की वो कॉजल बॉडी वो सब सुना है तो समझ में नहीं आया अच्छी तरह से। एक बात तो है कि जीवन जो दिखता है 5 इंद्रियों से, तो ये जो कर्म फल है स्थूल शरीर जो है, जब कर्म फल भुगतते हैं तब अज्ञानता से मैं ही नीलम हूँ, मैंने किया, ऐसी बिलीफ हो जाती है अज्ञानता से, और वहां वो बिलीफ रॉन्ग है तो कर्म परमाणु चार्ज हो जाते हैं। जो 4 एटम हो गए वो पूरा सारी लाइफ के 4 एटम, उसको कॉजल बॉडी बोला जाता है, और कॉजल बॉडी सारी लाइफ के इकट्ठा होके बाद में कॉजल बॉडी के अनुसार दूसरी लाइफ मिलती है उसको। तो कॉजल बॉडी किसी को दुख दिया है, किसी के द्वेष किया है तो जानवर की भी हो सकती है, और वापस मानव धर्म में आया तो मानवता की होगी। सारी जिंदगी दूसरे के सुख के लिए बिताते हैं तो देवगति में जा सकता है, और अनर्थ हेतु बिना किसी को बहुत दुख देता है, हिंसा तक का गुनाह करता है तो नरक में भी जाना पड़ता है। ऐसे 4 प्रकार की गतियां हैं। तो कॉजल बॉडी जितनी जिस प्रकार के कर्म बांधे हैं उस प्रकार की गति में जाना पड़ता है। तो ये जब लास्ट श्वास ब्रीदिंग चलता रहता है उस टाइम पे कॉजल बॉडी लंबी होती है, और आत्मा उसके साथ में है ही है, आत्मा के ऊपर आवरण स्वरूप में कॉजल बॉडी। जैसे लो चुंबक रहता है तो लोखंड की ये पिन रहेगी तो लोखंड की पिन को खींच लेगा, ऐसे जो माँ बाप है और ये इलेक्ट्रिकल बॉडी कॉजल बॉडी, तो ये एटम्स ऐसे है कि माँ बाप के हिसाब वाले है, तो वही जगह पे वो आकर्षण होगा और कॉजल बॉडी के अनुसार वो बर्थ माँ बाप के पास उसका हो जाता है, और माता का रज और पिता का वीर्य वो यूनियन जो तैयार हुआ, ये बच्चे ये जो जो आता है जीव उसके लिए फूड है, वो एब्सॉर्ब करके बाद में पिंड बनता जाता है और गर्भ में वही मोमेंट में जीव आ जाता है, बाद में धीरे धीरे ग्रोथ होता है उसका, तो हाथ फूटते पैर फूटते हैं सारा शरीर तैयार होता है, 9 महीने के बाद जन्म होता है। तो ये अपने आप इफेक्ट कॉजल बॉडी, जब वो फूड चूस लिया उसने उसी टाइम कॉजल बॉडी इफेक्टिव बॉडी में रूपांतर हो जाती है, और धीरे धीरे इफेक्टिव बॉडी अपने आप, इफेक्ट यानी किसी को करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही संजोग मिले खाना पीना मिल गया धीरे 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 ग्रोथ हो जाता है। सो चेंज बिलीफ गेट रिलीफ।
जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि, नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीव्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। निर्मा जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और यहाँ अपनी धर्म पत्नी के साथ आया हूँ। अच्छा। बड़ी बार बार वो आपका ये देखती है प्रोग्राम, मैं भी कभी कभी देखता था। उसी के संबंध में, उसी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल प्रश्न ये है, हम इस वक्त 7 लाख कश्मीरी पंडित देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ही हालात हैं कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। क्या हम 7 लाख कश्मीरी पंडितों ने, जिनमें साधु संत भी हैं, जिस तरह यहाँ पर दादू भगवान कहते हैं, हम गोपीनाथ भगवान कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा संत हुआ है, बहुत बड़ा संत, क्या उन समेत हम सबू ने इतने बुरे कर्म किए थे, अंतराय कर्म क्या हमारे इतने खराब थे, जो हम सबों के एक साथ और इस बुढ़ापे में या बचपन में ये भुगतना पड़ा यहाँ पर। हम अभी ही कश्मीर जाके आए और बहुत सारे कश्मीरी को मिले, जम्मू में पंडितों को भी मिले और कश्मीर में वहाँ के रहने वाले मुस्लिम बिरादरों को भी मिले। बहुत प्रेम से हमारे साथ हमने उनसे बातें की। उन्होंने खुद ने कहा कि चंद सालों के पहले, कुछ 15-20 साल के पहले, कश्मीर स्वर्ग जैसा था। इतने टूरिस्ट आते थे, इतनी सारी आमदनी थी, यहाँ के लोग इतने पैसे वाले थे, इतने सुखी थे, लेकिन यह सुख वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। पैसे को उनको संभालना नहीं आया और सारे पैसे का उपयोग उन्होंने गलत रास्ते से करना शुरू किया। इतना गलत रास्ते पे चले, हमको लगता है कि इसी का फल आया और हमको यह दुख झेलना पड़ा। अगर सीधी तरह से रहते थे तो शायद हम सब सुखी रहते थे और यह दुख हम पर नहीं आता था। तो ये इन लोगों का कहना था, हमको तो पता नहीं था कि ऐसा हो गया था। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण अपने कर्मों का होता है। क्या अहंकार आ जाता है या गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, दुख औरों को दुख दे पहुंचाते हैं। जब चीटिंग बहुत करते हैं, अपने पास टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट का भी कुछ नॉर्मल व्यवहार रखो। तो ये सब करेंगे तो उसका फल तो आएगा ही, छोड़ेगा नहीं। तो ये ईमानदारी है, सच्चाई है और अहंकार बगैर अच्छे नॉर्मल लाइफ जिए, गलत रास्ते पे ना चले तो किसी को दुख नहीं आ सकता है। तो और आता है तो कुछ ऐसा गलत कुछ हो गया होगा, तलाश करने की जरूरत है। लेकिन अब आपके दिन भी पूरे हुए, बुरे दिन पूरे हुए, अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन में अभी अच्छे रहो, सात्विक रहो और गलत रास्ते पे ना चले, किसी को, किसी की गर्दन ना काटे। हमारा अपने बिजनेस में भी ये इतना हमारा मुनाफा है, उतना हम लेते हैं, इससे ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि सही भाव से किया गया कर्म ही फल देता है और मुक्ति का रास्ता भी आसान करता है। जैसे बीज से फल पाने के लिए पानी, धूप, फर्टिलाइजर्स, जमीन और समय लगता है, वैसे ही कर्मों के फल पाने के लिए भी भावनाओं की जरूरत होती है। पिछले जन्म में सही भावनाओं के कर्मों के फल हम इस जन्म में पाते हैं और फिर जब एक इंसान कर्म से मुक्त होता है तो वो ही आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शिव है, परमात्मा है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करें सही भाव के कर्म। कर्मों से जुड़ी और भी जानकारी के लिए या हमारे सेमिनार्स का हिस्सा बनने के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org पर या कॉल करें 1-877-505-DADA एक्सटेंशन 23। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। टीवी पर भी हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं, टीवी एशिया, आस्था और आपका कलर्स पर। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय।